अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आज आप देख ही सकते हैं कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है मेरी ह्यूज तो नहीं कह सकते बट लिटिल बिट जो भी है मेरी मेकअप कलेक्शन। तो आज हम शुरू करते हैं कि मैं आपको दिखाऊँ मेरे पास कौन कौन सा मेकअप है और किस किस ब्रांड का मेकअप है मेरे पास और ये कैसा है। तो जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हैं मेरे पास विक्टोरिया सीक्रेट, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम मेंशन है। इसके ग्लोज हैं और ये ग्लोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैट हैं, मैट ग्लोज हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं वेलवेट मैट। और इसी तरह के बहुत सारे रंग बिरंगे कलर्स हैं जो कि मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा ये पसंद है और ये बहुत ही अच्छा है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप इसका मैं आपको कलर भी बता दूँगी और ये आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बता दूँगी। ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और ये जो 3D ब्लश ऑन है ये काफ़ी इन है आजकल, हर कोई यूज़ कर रहा है। और ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम रहती है कि ब्लश ऑन लगाने के बाद खत्म फेस पे नज़र नहीं आता और मेकअप में कहीं गुम हो जाता है, उनके लिए मैं दोबारा दिखा दूँ। ये आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं। मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी पसंद आया है, होप आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि ये जिस जिसने यूज़ किया है उसको तो पता है कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। और कोशिश करें कि ये बहुत कम क्वांटिटी में लगाएं। आप देख सकते हैं कि क्रीम के कंसिस्टेंसी जैसा है, ये लिक्विड ब्लश। उसके बाद है जी ये वाली बेस रोज़ बेला की है ये, और ये काफ़ी अच्छी है लिक्विड फाउंडेशन टाइप। इसको हम यूज़ करते हैं और इसकी जो, अब आप देख सकते हैं ये ब्लश ऑन के कलर कैसा हो गया, कितना अच्छा है। ये काफ़ी टाइम तक रहता है। इसको आप टिंट, जैसे टिंट होता है ना उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो अब आप, मैं बता दूं कि अब मैं इसी के ऊपर आपको ये लगा के दिखाती हूँ क्योंकि ये मेरे फेस कम्प्लेक्शन के हिसाब से है। देख सकते हैं कि इसको रब करने से ये काफ़ी अच्छा कलर हो जाएगा। आप देखें, अभी तो फिलहाल नीचे रेड कलर है। इसको मैं दोबारा चेक करके बताती हूँ। ये आप हमेशा अपनी बेस को अपने फोरहेड पे लगा के चेक करें, सबसे अच्छा रिज़ल्ट आपको वहाँ पता चलेगा। और ये है इसका कलर, काफ़ी अच्छा कलर है इसका। उसके बाद है जी मेरे पास ये लाइनर, और ये भी बहुत अच्छा है। ये आई पेंसिल, आई लाइनर, जो भी आप कहना, ये आपको ऐसी शेड में मिलेगा। ये देखें जी, ये बहुत ही अच्छा है और इसको देखने में भी ये काफ़ी अच्छी, इसके जो है बनावट काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये रोज़बेरी का ही है, इसका भी अच्छा ब्रांड है, ये दुबई में अच्छा ब्रांड काफ़ी इन है। और इसके बाद है जी हमारी लिपस्टिक कलेक्शन, नंबर 1 शेड, नंबर 2 शेड, और ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। और ये इस तरह से, ये काफ़ी अच्छी हैं। ये भी मैंने तो बेसिक ही परचेज़ की थी और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इनका। और एक इसमें ये भी है, ये थोड़ा सा डार्किश कलर है और ये भी काफ़ी अच्छा है। और एक जो मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट कलर, और वो ये है। ये भी मैंने यहाँ से ही परचेज़ किया है और इसका नाम मेंशन नहीं है तो मैं इसका अपना नाम नहीं बता सकती, इस पर नाम नहीं है। और एक है ये भी मैट है, ये काफ़ी अच्छा है। ये स्टार बेरी आई थिंक, सो इसका नाम है स्टार
बीजा स्टार बीजा मैट लिपस्टिक, ये भी मैट है मैट लिपस्टिक। और ये है जी काजल, ये काजल बहुत ज़बरदस्त है, ये मैंने सऊदीया से लिया था, ये बहुत अच्छा काजल है। और इसके अलावा जी मेरे पास एक और काजल है जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा है। ये इसका नाम वाशमी है, वाशमी, और ये बहुत ज़बरदस्त है, ये आपका फैलता नहीं है। और जी मेरे पास ब्लश ऑन एक ये है, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया और काफ़ी टाइम हो गया इसको मेरे पास, ये ब्लश ऑन है और ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये मेरे पास शिमर है जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है फेस पे। और मेरे पास पिंक है, ये पिंक और वाइटिश बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है आपके फेस को, ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये मैंने मंगवाया था 5 कलर किट विक्टोरिया सीक्रेट की, ये किट है और ये आप देख सकते हैं अभी मैंने यूज़ नहीं की, मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, वो ये शिमर है, ये पाउडर है फेस पाउडर, और ये आपका ब्लश ऑन, और जी ये आपके आई शेड्स, और ये इसके साथ इसका फॉर्मिक वन, और ये है जी ब्यूटी ब्लेंडर हमारा, ये ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ये आप मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया और इसका इतना एब्जॉर्ब करता है, ये खुद में ज़्यादा करता है, फेस पे इतना नहीं करता, बट ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जी ये है हमारे पास कंसीलर, और ये कंसीलर भी मैंने दुबई से लिया था, ये काफ़ी अच्छा है, ये 2 है 2 in 1 है, और आपको ये भी काफ़ी यूज़ करने के बाद अच्छा लगेगा। इसमें ये भी खुदा मैट है, और जी आपको तकरीबन मेरा सारा मेकअप हो गया, और जो रह गया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।